हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसी जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको भारत सरकार द्वारा जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पद पर 174 भर्तियों की पोस्ट निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी खाली पोस्ट पर आपकी भर्ती हो सकती है। दोस्तों, यदि आप इस संबंध में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तब हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से ले लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएँ। इसके साथ ही दोस्तों, यदि पूरी वीडियो देखने के बाद सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इन 174 पोस्ट में आपको किस किस पद पर कितनी कितनी भर्तियां मिली हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जूनियर मैनेजर सिविल पोस्ट पर आपको 31 वैकेंसी मिली हैं, यानी कि 31 पद पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस बीडी में 77 वैकेंसियां भर्ती की जाएंगी। उसके बाद जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में सिर्फ 3 भर्तियां दी जाएंगी, सिर्फ 3 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद दोस्तों, एग्जीक्यूटिव सिविल में 73 भर्तियां निकाली गई हैं, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 42, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में दोस्तों 87 भर्तियां निकाली गई हैं, यानी कि 87 पदों पे भर्ती की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी में 237 यानी कि 200 प्लस भर्तियां निकाली गई हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में सिर्फ 3 भर्तियां निकाली गई हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 135, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में 147 यानी कि दोस्तों 150 के लगभग भर्तियां निकाली गई हैं। इसके बाद दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी में 225 यानी के 200 प्लस भर्तियां निकाली गई हैं। इसके बाद दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में सिर्फ 14 भर्तियां निकाली गई हैं। दोस्तों, इस प्रकार अलग अलग विभाग में टोटल 174 भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए अपने क्षेत्र, अपने पसंदीदा क्षेत्र में जॉब हासिल करने का। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में आगे की जानकारी देते हुए चलिए अब बात करते हैं कि यदि आप इन पोस्ट पर भर्ती करना चाहते हैं तो आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, यानी कि आप ज़रूरी क्या है, किस भर्ती के लिए आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कितनी होनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आपकी पढ़ाई ये नहीं है जो हम बताने वाले हैं तो दोस्तों आप इस भर्ती के अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जूनियर मैनेजर की। तो दोस्तों, यदि आप जूनियर मैनेजर के अंदर भर्ती के अंदर अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल में, प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, जो कि दोस्तों जिसमें आपके नंबर 60% से अधिक होने चाहिए और आपका डिग्री किसी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कॉलेज से होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि यदि आप एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो तब आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये 3 साल का डिप्लोमा आपका सिविल में भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ, वाटर रिसोर्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इन सब के अंदर
में से यदि आपके पास किसी का भी 3 साल का डिप्लोमा है और उस डिप्लोमे में आपके अंक 60% से अधिक हैं, या फिर आपके पास इनमें से ही कोई ग्रेजुएशन है, तब आप इस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। यदि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, तब आपके पास 10th क्लास मैट्रिक में आपके अंक 60% से अधिक होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का कोई सा भी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए जो हम आगे बताने वाले हैं, इनमें से कोई सा भी, या एक्ट ITI का जो कि अप्रूव्ड हो बाई NCVT या SCVT। इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, TV, रेडियो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटो मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन 4 DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021। यानी कि दोस्तों, इनमें से आपकी कोई सी भी 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और उसमें आपकी 60% से अधिक अंक होने चाहिए। यदि आपके पास ये सब है, तब आप DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 के जूनियर एग्जीक्यूटिव पद में आवेदन कर सकते हैं। यदि DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो उसकी मुख्य तिथियां कौन कौन सी हैं, यानी कि आप किस डेट तक आवेदन कर सकते हैं। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन आप आवेदन की कब से शुरू हो जाएंगे, तो दोस्तों 24/4/2021 में आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फ़ीस, और जो कि लास्ट डेट रहेगी यानी कि आखिरी तारीख जब तक आप अपने आवेदन कर सकते हैं, तो दोस्तों वो रहेगी 23/7/2021, यानी कि 23/7/2021, 23 जुलाई, जो कि 23:45, यानी कि 11:45 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये आगे भी बढ़ जाए, कुछ अभी कह नहीं सकते। इसके बाद दोस्तों, टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा इसका, वो सितंबर या अक्टूबर में होगा 2021 में। दोस्तों, यदि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तब आपकी एज जूनियर मैनेजर के लिए 18-27 के बीच में होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, तब आपकी एज यानी उम्र 18-30 के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही यदि दोस्तों आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तब आपकी एज 18-30 के बीच में होनी चाहिए। द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल 5 ईयर SC ST फॉर OBC NCL कैंडिडेट्स फॉर PW BD एप्लीकेशन। टोटल 15 ईयर्स ऑफ SC ST कैन एंड 13 ईयर्स ऑफ OBC NCL फॉर DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021। दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छी बात है कि यदि आप SC या ST कास्ट से बिलोंग करते हैं और आप OBC या NCL कैंडिडेट हैं, तो इसमें आपको थोड़ी छूट दी जा सकती है।